हमने 100 शिकायतें की चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान। जैसे हमने शिकायत की वैसा ही परिदृश्य चुनाव में बना। एक संज्ञान नहीं लिया गया। जो एसपी और कलेक्टर को हमने हटाने के लिए मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी, उन दोनों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ये सर्वविदित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को हमने पर्दाफाश करने के लिए एक एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि इन इन बूथों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए, जिला स्तर पर भी थी और प्रदेश में भी थी। पर निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली जिसकी हमारे पास रिसीव्ड है, ये कल हमने जारी भी की थी। तो मैं मानता हूँ निर्वाचन आयोग का ये रुख इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अभी काउंटिंग में जो राम निवास रावत है उनके विजयपुर में 40 के लगभग रिश्तेदारों को उन्होंने काउंटिंग में लगा दिया। आखिर ये क्या मैसेज है? क्या रिश्तेदार राम निवास रावत के प्रत्याशी के काउंटिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल निर्वाचन के रूल के हिसाब से नहीं बैठ सकते, इस देश के कानून के हिसाब से नहीं बैठ सकते। हमने आपत्ति ली है। निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि आप तोता न बने, आप पिट्ठू न बने, आप कृपया करके नियम और कानून के संदर्भ पालना करें। हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कल मंडे के दिन, और प्रदेश निर्वाचन आयोग में कल करा चुके हैं। उन कर्मचारियों को जो रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं या उनसे रिलेटेड है उनको हटाना चाहिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है माधवराव सिंधिया।